सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रियलमी वाई 4.0 और एंड्रॉइड 13 के स्टेबल अपडेट के बारे में। जितना भी अपडेट पेंडिंग था इस मंथ में रियलमी की ओर से रोल आउट करने के लिए, वो सारे डिवाइसों के लिए अपडेट इस मंथ में रियलमी की ओर से स्टेबल वर्जन का रोल आउट कर दिया गया है। चलिए देखते हैं कि कौन सा डिवाइस में कौन सा स्टेबल वर्जन का अपडेट रोल आउट किया गया है। यदि आपके पास कोई रियलमी की डिवाइस थी, आप वेट कर रहे थे कि उसमें स्टेबल अपडेट कब देखने को मिलेगा, तो फाइनली इस मंथ में जितने भी डिवाइसों को रियलमी की ओर से स्टेबल अपडेट रोल आउट करना था वो रियलमी ने रोल आउट कर दिया है। तो सबसे पहले इस अपडेट के बाद आपके डिवाइस में जितने भी प्रॉब्लम देखने को मिल रहे थे रियलमी वाई 4.0 और एंड्रॉइड 13 के ईयरली एक्सेस बीटा अपडेट में उसको फिक्स कर दिया गया है। तो इस अपडेट को आपको करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप वीडियो को बिना स्किप के वीडियो के अंत तक बने रहिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ऐसे ही फ्यूचर में वीडियो देखने के लिए। सबसे पहला जो अपडेट पेंडिंग था, सबसे ज़्यादा दिनों से देखने को नहीं मिल रहा था, वो रियलमी 9 5G में स्टेबल अपडेट का यूजर काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहा था। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे सभी यूजर के लिए 3.09 का रियलमी 9 5G के अंदर अपडेट रोल आउट कर दिया गया है, जो कि इस मंथ में अपडेट इसके लिए रोल आउट होना फिक्स किया गया था। काफ़ी लंबे समय से वेट करना पड़ा, लेकिन फाइनली आज के डेट में अपडेट 3.09 के स्टेबल वर्जन का रियलमी 9 5G में रोल आउट कर दिया गया है रियलमी की ओर से। आप जाके इसे कर सकते हैं। इसके बाद एक और डिवाइस को आज के डेट में अपडेट देखने को मिल रहा है रियलमी की ओर से, वो है आपका यहाँ पे देख रहे होंगे रियलमी GT Neo 3। इस डिवाइस में 3.16 का अपस्वेली अपडेट रोल आउट कर दिया गया है रियलमी की ओर से। इसमें भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद बात की जाए कि इस मंथ में और कौन कौन से डिवाइसों को मिलने वाला था और कब देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे जनवरी मंथ में जितने भी डिवाइसों को वाई 4.0 का ईयरली एक्सेस का अपडेट मिला था, जैसे कि रियलमी GT Master Edition, रियलमी 9 5G, रियलमी 9 4G और रियलमी 8S 5G, और यहाँ पर देख रहे होंगे रियलमी 10। इन सभी डिवाइसों को इस मंथ में स्टेबल अपडेट रियलमी की ओर से रोल आउट होने वाला था। तो जिसमें से मैं आपको बता दूँ कि रियलमी की ओर से रियलमी 8S 5G और रियलमी 9 4G और रियलमी 9 5G, इन डिवाइसों को तो स्टेबल अपडेट रियलमी की ओर से आज के डेट में रोल आउट कर दिया गया, और साथ ही रियलमी 10 को भी इस मंथ में अपडेट देखने को स्टेबल वर्जन का मिल गया है। लेकिन एक डिवाइस है रियलमी GT Master Edition, इस डिवाइस के यूजर काफ़ी वेट कर रहे हैं लंबे समय से और काफ़ी कमेंट भी कर रहे हैं कि इसमें अपडेट कब देखने को मिलेगा। तो रियलमी को इस मंथ में इसको अपडेट रोल आउट करना है, वो तो 100% कन्फर्म है और अपडेट आपको इस मंथ में देखने को मिलेगा भी। लेकिन मैं बता दूं, आपको अभी भी वेट करना पड़ेगा, क्योंकि रियलमी की ओर से अभी इस डिवाइस के लिए कोई भी अपडेट रोल आउट नहीं किया गया है। आपको मार्च ऑफ एंड में देखने को मिल जाएगा। जैसे इतना दिन आप वेट कर लिए और कुछ दिन वेट कीजिए, आपके डिवाइस में जल्द ही अपडेट रोल आउट होगा। और कन्फर्म डेट के बारे में बात की जाए तो कोई भी मैं कन्फर्म डेट ना बता सकता हूँ। हो सकता है अपडेट आज के डेट में ही रोल आउट हो जाए, कल भी हो सकता है, लेकिन मार्च के अंदर आपको अपडेट देखने को स्टेबल वर्जन का 100% मिल जाएगा। तो आप थोड़ा सा और वेट कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।